देखिए, सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। कौन सा लेवल से हीरो टू जीरो का सेटअप बनेगा? क्या सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगी? सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर कैसा मूवमेंट रह सकता है? तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर कैसा मूवमेंट रह सकता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से मिड कैप निफ्टी इस रेंज के अंदर क्या कर रही है, कामकाज कर रही है। जब तक ये रेंज यहां पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं करती है, तब तक हमें यहां पर मिड कैप निफ्टी के अंदर बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। वो चाहे अपसाइड हो या तो फिर डाउनसाइड हो, आप लोग यहां पर क्लियर कट देख सकते हैं। ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, जो कि रेंज है, मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं, 9223 से लेकर के 9134 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ट्रैप जोन है। अगर आप लोग इस जोन के अंदर कॉल और पुट के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर आप लोगों का लॉस हो सकता है। देखिए, ये जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे लिए पहले क्या था, एक हर्डल रेजिस्टेंस था। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपनिंग ली, और उसके बाद देख सकते हैं इस रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो ये बात तो क्लियर है, जो डाउन साइड का मूवमेंट होगा वो होगा 9130 के नीचे, यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जो लॉजिक क्या है। लॉजिक को समझोगे, पैसा ऑटोमेटिकली अपने आप बनेगा। जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे, तब तक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी आप लोग अर्न नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार, दो बार और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 3 बार। ये 3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, और देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट भी लिया गया। और आज के दिन आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूँ। आज के दिन यहीं से जो है देख सकते हैं सपोर्ट लिया गया, यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया गया है। तो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर इस लेवल को ज़रूर मार्क कर लें। देखिए, अगर 2 बार से 3 बार एक ही लेवल को, वो चाहे सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, रिट्रेस करती है, तो वो हमारे लिए क्रूशियल लेवल का कामकाज करती है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है मिड कैप निफ्टी के अंदर, तो चलिए हम जान लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल माइंड को सेट करके बैठना। ठीक है, देखो, ये जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ से आप लोगों को अप्रोक्स ज़्यादा नहीं 40 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। जो कि लेवल है वो कैसे देखने को मिलेगा, मैं बताऊँगा, लॉजिक को समझना। जो कि लेवल है 9190 का, मान लो अगर मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर आप लोग सेफली कॉल बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, कम पॉइंटों के साथ हम मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बना करके
निकल जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्कैल्पिंग। तो यहाँ पर आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो, ओनली 20 से लेकर के 30 पॉइंट तक का यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। जितना जल्दी आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करते हो उतना ही बढ़िया रहता है। अब मान लो अगर मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 9217 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेती है और उसके बाद इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को क्या करती है, फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 9270 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए अगर मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाई कर सकते हैं और ओनली 30-40 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, लॉजिक को समझो। अगर मिड कैप निफ्टी मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर इजीली पुट बाय कर सकते हैं और 30-40 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि लेवल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9110 का। मान लीजिए अगर मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 9050 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा सिर्फ वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं Hero 20 कॉल का। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 9200 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 10 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 9000 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 10 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मिड कैप निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल को मार्क कर लेना ताकि मंडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।